रूल है लोगों को मजा कराओ जीना मत सिखाओ शादी ओए शादी पे शादी कैसे कर सकती हो तुम ओहो मेरी नहीं तो फिर तुमने की है ओ खाला हमने नहीं की तो फिर किसकी शादी पे परेशान हो वो एक मर्द है उसने तीसरी शादी कर ली है तो हैरानगी की क्या बात है पुत्र उसके पास में हो ना तो दस दस शादियां कर ले खाला दरअसल खून भी हो गया हाँ दुल्हन का नहीं उस मर्द का तो मुझे क्यों सुना रही हो ये खबर इसीलिए खाला के बाले माया ही रोती हैं दुल्हन की मर्द की और क्या पुट्ठी सीधी कहानी सुना रही है मुझे खाला पहले आप ये तो पूछिए कि उस मर्द का खून किया किसने है किसने किया हुए खाला उसकी दोनों बीवियों ने क्या हाँ खाला हम तो डर रहे हैं कि हमें भी खून ना करना पड़ जाए पर अब तो उसका खून हो गया उसका नहीं हारिस का क्या हुआ आहो खाला अखबार में भी यही लिखा है और अगर उसने तीसरी शादी की ना तो फिर ले उस मर्द ने कर ली तो इसका मतलब है सारे तीन तीन शादियां करेंगे ये बात ना आप उसे भी समझाइए खबरदार जो हारिस ने तीसरी शादी का सोचा भी तो हाँ दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से नहीं तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगी कौन आ गया घर में मनहूस अखबार वालों का भी कुछ भरोसा नहीं दूसरों के घर तबाह करते हैं ऐसी खबरें लगा के पता नहीं कौन आ गया इस वक्त हाँ जी हाँ अब तुम बैग से वॉशिंग पाउडर निकालोगी और कहोगे ये वॉशिंग पाउडर सबसे ज्यादा कपड़े धोता है ना आप गलत समझ रही हैं क्यों ये सबसे ज्यादा कपड़े नहीं धोता कौन वॉशिंग पाउडर मैंने कोई वॉशिंग पाउडर दिखाया ही नहीं हाँ तो फिर दिखा दो ना अरे बाबा मैं वो लड़की नहीं तो फिर कौन है तू मैं शादी वाली लड़की हूँ शादी वाली जी किसकी शादी वाली अपनी शादी वाली क्या मतलब हो है? जी मेरी शादी हो गई है तो फिर अपने मियाँ के पास जाना यहाँ क्या खड़ी मुंह देख रही है मियाँ के पास ही तो आई हूँ कौन से मियाँ के पास कौन है नीलम इसके पास लेकिन ये तो मेरा हामद है मेरा भी तो है हारिस ये लड़की क्या कह रही है क्या कह रही है यही कि तुम इसके खामंद हो अच्छा आ, अच्छा लेकिन मुझे तो पता ही नहीं हाय अल्लाह तुम्हें शादी याद नहीं मुझे तो शादी के बाद कभी कुछ याद नहीं हारिस ये क्या बकवास है वैसे शादी है तो बकवास ही हाँ अगर वो तीसरी हो तो तीसरी भी बकवास ही अच्छा तो इसीलिए तीसरी शादी कर ली नहीं नहीं मैंने कोई शादी नहीं की भाई तुमने कोई शादी नहीं की हारिस नहीं मतलब मैंने दो की है लेकिन तीसरी नहीं की मैंने झूठ मत बोलो कहाँ है तुम्हारी अम्मा हटो अरे 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 बात तो सुनो कौन है ये लड़की नीलम ये तुम्हारी अम्मा है नहीं अब्बा है ओए और क्या बात है ओए खाला वही गर्ल जो मैंने बताई थी क्या बताई थी तीसरी शादी वाली अच्छा तो ये वो बीवी है जिसने मियां का खून किया था ये वो बीवी नहीं है तो फिर कौन सी बीवी है ये खाला तीसरी बीवी जिसका खून हुआ है उसकी तीसरी बीवी और नहीं खाला जिसका खून होना है उसकी और क्या मतलब है खाला या आपके होनियार बेटे की ना तीसरी बीवी है और क्या बकवास कर रही हो यही तो मैं कह रहा हूँ देखिए मैं आपकी तीसरी बहू हूँ हरस ये मैं क्या सुन रही हूँ आपकी कसम मेरी इससे शादी नहीं हुई है ये देखें शादी की तस्वीरें हारिस ये तो बाकी तेरी फोटो है हारिस मैं तुम्हें ना जिंदा नहीं छोड़ूंगी नीलम ये मेरी तस्वीर नहीं है तो और किसकी है ये देखो देखो देखिए मेरी शक्ल का कोई भी आदमी हो सकता है हारिस क्या वाकई ये तुम्हारी बीवी है अम्मा ये कोई फ्रॉड लड़की है ये क्या कह रहे हो तुम अरे कम से कम अपने बच्चे का ही ख्याल करो बच्चा बच्चा कौन सा बच्चा जो तुमने कहा था कि नहीं चाहिए फिर क्या हुआ बच्चे का नहीं हुआ कितने जालिम हो तुम इस तरह की कोई बात नहीं अम्मा आप मेरा यकीन करें बस कर लिए मेरे फैसला मैं और मलाइका इस घर में अब नहीं रहेंगे ओ नीलम बात तो सुनो नीलम हसन मरीदा अब मेरा क्या होगा पुत्र अगर ये फैसला हो गया कि तू हारिस की बोटी है तो तू इस घर में रहेगी इस घर की इज्जत बनके तुझे यहाँ रहने से कोई नहीं रोक सकता तेरे लिए मैं फालसे का जूस लेके आती हूँ शुक्रिया सासू मां शुक्रिया बात लोग कर रही हो खुदा की कसम ये सब झूठ है झूठ है और वो तस्वीर कौन सी तस्वीर शादी की तस्वीर जो तुम्हारे साथ शादी की तस्वीर है हारिस उस कमीनी के साथ वो तस्वीर झूठी है देखो हारिस
हम लोग सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन सौतन नहीं। पहले भी तो एक दूसरे को बर्दाश्त कर रही हो ना। क्या क्या? ठहरो ठहरो, देखो अगर तीसरी शादी की होती तो वो निकाह नामा तो दिखाती ना। तस्वीर से बढ़कर और क्या निकाह नामा चाहिए तुम्हें उल्लू? तस्वीर तो कोई भी बनवा सकता है, लेकिन तुम्हारी तस्वीर क्यों होती है? देखो हारिस, किसी खुशफहमी में ना तुम हरगिज मत रहना। ये मत सोचना कि हम लोग घर छोड़ के जाएंगे। ये भी मत सोचो कि घर के ही जाने वाला है। ओ, घर भी यही रहेगा और हम भी यहीं पे रहेंगे। मैंने कब कहा कि तुम लोग जाओ? देखो तुम दोनों तो मेरी जान हो। और वो डाइन? यार कौन डाइन? वो तीसरी। अच्छा वो तीसरी भी डाइन है? हारिस, देखो शादी के बाद हर शौहर भूत और बीवी डायन हो जाती है। हाँ, तो इसलिए तीसरी शादी की है ना कि हम डायने बन चुके। तुम लोग देखना, मैं तुम दोनों के सामने उसको अभी इसी वक्त इस घर से बाहर कैसे निकालता हूँ। जल्दी करो यार, हर काम में जल्दी करो, जल्दी करो। मैं तुम्हारे इस फिक्र से वैसे तंग हूँ। बातों में वक्त जाया मत करो और उसे ना कार से बाहर निकालो। अच्छा बाबा, जा रहा हूँ जा रहा हूँ। अब निकालो बाहर। क्या? उस डायन को। अभी निकालता हूँ, तुम लोगों के सामने अभी इसी वक्त निकालता हूँ मैं। ओ, कहने को मेरी बीवी। क्या कहने को? चलो चलो निकलो। लेकिन कहाँ? मुझे क्या पता, लेकिन यहाँ से तो निकलो। देखा देखा आपने सासुमा, इस दुनिया में औरत का कोई भी नहीं है। देखो ड्रामे करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। ठहर जा, वे ये कहीं नहीं जाएगी। क्या? वे पहले साबित करके ये तेरी बाउटी नहीं है। ये साबित करेगी कि ये मेरी बीवी है? और इसने तो फोटो दिखाई है। तस्वीर से क्या होता है, वो तो किसी की भी बनवा लो। तो और क्या दिखाऊं? निकाह नामा है तुम्हारे पास? हाँ है। वाकई? अम्मा झूठ बोलती है ये। ये लीजिए माँ, ये लीजिए। हे अलिफ हारे, तीन नुक्तों वाला से, ओए इस पे तो वाकई तेरा नाम है पुत्र। क्या? लेकिन देखिए नाम तो एक जैसे होते हैं। क्या बाप भी एक जैसे हो सकते हैं? तो कुछ क्या सिंगो वाले होते हैं? अरे क्या बात कर रहे हो, बाप के खाने में भी तुम्हारे बाप का नाम है। ये देखे फेर पढ़ू। होया होए। तो और क्या फुफा का होना था? तो फिर कैसे कह सकते हो कि निकाह नामा जाली है? वे बेहतर यही है कि इस लड़की को अब इज्जत से घर में रख लो। क्या कह रही है अम्मा, ये सब फ्रॉड है। और सबसे बड़ा फ्रॉड तो तू है, मुझे शर्म है कि तू मेरा पुत्र है। अम्मा मेरी बात तो सुने। और ये कहीं नहीं जाएगी अब। बहू जाओ मेरी अलमारी खोलो उस कमरे में, और जो कपड़ा तुम्हें चाहिए वो निकालो, उसे अपने साइज का करो और पहनो जाके जाओ। अच्छा अम्मा, बेलन वाइपर और मौत के सामान के क्या करना है? और कौन से बेलन वाइपर का? वो जो उन दोनों के हाथ में है। और तो ये पहले सोचना मरना था ना तुमने। चल जा मेरी नजरों के सामने, दूर हो जा। अम्मा वो जाता है, ये जुत्ती लाऊं। चल तू फिक्र ना कर, परेशान नहीं होना। अब कौन सा जूस लाऊं? आम। आम कोई बात नहीं, अभी तो तुमने 6-7 ही पिए हैं, आम भी पी लो, मैं भी लेके आती हूँ। जीतना। हाँ तो फिर निकाला। क्या? उस डायन को। वो डायन तो अम्मा की पनाह में है। फिर तुम्हें पनाह कहीं नहीं मिलेगी। देखो देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, हम भी ना पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हें तीसरी शादी का पूरा मजा चखाया जाए। ये क्या कर रही हो? खुदा की कसम मैं उसे घर से निकाल दूंगा। कहा ना, बात सुनो, एक सेकंड इस तरह ना मारो, यहाँ पे तो पट्टी भी नहीं होती। बात सुनो, मेरी बहुत सेंसिटिव जगह है। तुम मेरी बीवी नहीं हो और ये तुम जानती हो। फिर वही बात, आखिर तुम चाहती क्या हो? अपना घर। तो फिर मेरे घर क्यों आई हो? अरे बाबा क्योंकि ये मेरा घर है। अच्छा तो ऐसा करो, आओ मेरे साथ कमरे में। क्यों? आओ ना प्लीज। नहीं नहीं नहीं, मैं कमरे में अकेली नहीं जाऊंगी। लो तो फिर क्या यहीं पे बातें करते रहेंगे? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? वही जो शौहर करते हैं। क्या? कत्ल है। क्यों? तुमने जीना हराम करके रखा है मेरा। इस घर से तो तुम जाओगी जाओगी, चाहे जिंदा हो या मुर्दा जाओ। नहीं सासुमा। जी ये ठीक नहीं है। कौन ठीक नहीं है? यूं कब्जा करना। अरे नहीं नहीं भैया, ये तो हमारा अपना घर है। मैं घर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो बीवी की बात कर रहा हूँ। तो आप अपनी बीवी की बात मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने कब्जा किया। किस पर? मेरी बीवी पर। आपकी बीवी? कौन सी बीवी? ये पहले वाली है। पहले वाली? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बीवी को बाहर निकालो। कहाँ से? घर से। देखिए जी, आपकी बीवी है वो, आप घर से निकालिए। लेकिन इस वक्त वो आपके घर में है। भाई साहब, इस घर में तो सिर्फ दो बीवियां हैं। मैं तीसरी की बात कर रहा हूँ। अच्छा तो तुम उसकी बात कर रहे हो। वो मेरी बीवी है। वो तो कह रही है कि वो हमारे शौहर की बीवी है। झूठ बोल रही है वो। तुम अंदर आओ। क्यों?
घर में कोई नहीं है। बकवास अपनी बंद करो, अंदर आओ और जाओ, अपनी बीवी लेके जाओ यहाँ से, जाओ। कोई नहीं है कि बच्चे। ये कौन है? शौहर है। नहीं तू कैसे शौहर कर सकती है? बीवी का शौहर है। हैं? तुमने नया शौहर कर लिया? ये बीवी का शौहर है। तो तुम भी तो बोटी हो। माँ जी मैं हारिस की बीवी हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो फिर ये किसका शौहर है? तीसरी बीवी का। ओए पर वो तो हारिस की बीवी है। माँ जी वो इसकी भी तो बीवी है ना। हैं? ओए क्यों संसार होने वाली गलने कर रहे हो पुत्र? ये कह रहा है ये बात। ओए क्यों है? ये क्यों माजरा है? मुझे मेरी बीवी चाहिए। हाँ ठीक है, पर वो तो हारिस की बोटी है। झूठ बोलती है वो। ये देख, ये मोबाइल में ये मेरी और उसकी शादी की तस्वीरें हैं। हाय हाय, ले वो इसकी भी बीवी है। ओ भाई ये तो फ्रॉड है। कौन फ्रॉड है? मेरे पास निकाहनामा भी है। एक मिनट, ये देखिए ये। बस बस, ओए हमें यकीन हो गया। निबला जाके उसे जरा। हारिस को? और नहीं हो इसकी बीवी को। अरे अम्मा मैं हूँ ना, उसको बुलाने की क्या जरूरत है? ओ वो तीसरी वाली, ओ आ गई। क्यों क्या हुआ है? ओ ये कौन है? ओए कह रहा है तू इसकी बीवी है। अब तुम यहाँ भी आ गए? ओए है कौन? अरे ये पागल है। ये पागल जहाँ मैं जाती मेरे पीछे आ जाता है, बल्कि ये तो पागलों के अस्पताल में भी दाखिल रहा है। ये देखिए मेरे पास इसकी तस्वीर है। ओए है, ओ ये तो वाकई पागल है। अल्लाह ये तो वाकई पागल है। मैं पागल नहीं हूँ, ये झूठ बोल रही है। मेरा यकीन करें, मैं निर्दोष हूँ, ये पागल है। चुप कर, ओ इसे जाने ना देना इधर से। मैं जा भी नहीं रहा, अभी पुलिस आएगी। पुलिस? अब तुम कौन? तो तुम हो जो मेरी बीवी पर कब्जा करके बैठे हो। कौन सी बीवी? मेरी एक ही बीवी है। एक शादी करोगे तो एक ही बीवी होगी। अब दोबारा शादी करने वाला नहीं हूँ मैं। यार एक बीवी से दोबारा शादी करने की क्या जरूरत पड़ी? मेरी बीवी मुझे वापस कर दे। मेरे पास जमा करवा के गए थे क्या? कहाँ है मेरी बीवी? कहाँ छुपा कर रखी है? कौन सी बीवी? वो जो तुम्हारी तीसरी बीवी बनी है। अच्छा वो तो लो आ गई। तुम अभी तक गए नहीं? तुम्हारे बगैर कैसे जा सकता हूँ? अच्छा हुआ तुम आ गई हो, अब लेकर जाओ अपनी बीवी को। क्या हो गया तुम्हें? मैं इसकी नहीं, मैं तो तुम्हारी बीवी हूँ। क्या मुसीबत है ये? कुछ शर्म करो, अपनी बीवी को मुसीबत कह रहे हो? तुम इसकी नहीं मेरी बीवी हो। अरे तुम तो चुप ही करो पागल कहीं के। पागल? हाँ हाँ ये पागल है। पागल ये नहीं, पागल हम सब है, और बनाया किसने है? तुमने। इस पागल को ले जाओ यहाँ से। चलो बेवकूफ, की तुमने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ धक्का दिया तुम्हारे सामने। इसकी तो नब्ज भी नहीं चल रही। कि क्या कह रहे हो? लगता है ये मर गया। हाय अल्लाह, क्या होगा? जाहिर है अब ये जिंदा थोड़ी होगा। प्लीज मुझे बचा लो। क्यों छत से कूद रही हो? अरे ये मेरे गले पड़ जाएगा और तुम भी कत्ल के केस में मुलव्वस हो जाओगे। क्या? हाँ और क्या। कुछ करते मैं देखता हूँ। हाँ यानी कि आपको पता भी चल गया? किस बात का? यानी कि आपको पता है नहीं चला? क्या पता नहीं चला? कुछ नहीं। जी कहिए। जी मतलब? अरे अभी आपने खुद को कहा कि जी कहे। मेरा मतलब है कि आप किस सिलसिले में आए सर? जाहिर है कानूनी सिलसिले में आया हूँगा मैं। सर कौन से कानून के सिलसिले में? इस घर से एक कॉल आई है। कॉल किसकी सर? किसी शोहर की। घर में तो सिर्फ भाई शोहर, मैं ही हूँ। फिर आप ही की होगी? मैंने आपको कभी कॉल नहीं की। कॉल इस घर से आई है और कॉल करने वाले ने कहा है कि मेरी बीवी पे कब्जा हो गया है, समझा? फेक कॉल होगी सर, लानत भेजे। तू कैसे कह सकता है कि फेक कॉल है? सर कभी बीवी पर भी कब्जा हुआ है? क्यों नहीं हो सकता? बीवी है, प्लॉट है। बकवास बंद करो। और उसने ये भी कहा है कि मेरी जान को खतरा है। उस कमीने ने ये भी कह दिया? हाँ कहाँ है वो? वो यहाँ नहीं है सर। पीछे हटो, मुझे घर की तलाशी लेनी है। देखिए आप बगैर सर्च वारंट के इस घर में नहीं घुस सकते। पीछे हटो या गाड़ी मंगाऊं थाने से। अंकल देखिए अभी तो ताजा ताजा मरा है। कौन ताजा ताजा मरा है? मेरा मतलब है कि ताजा ताजा फोन किया और आपने यकीन भी कर लिया। अरे पीछे हटो। सुने तो सही सर, बात तो सुने। ये कौन है? ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमान है सर। वो तो है लेकिन है कौन ये? सर इससे बढ़के किसी इंसान का और क्या तारुफ हो सकता है कि वो मुसलमान है। तो ये फिर ये
बेजान क्यों पड़ा है? क्योंकि मर चुका है। क्या? वो इनका मतलब ये कि इसका जमीन मर चुका है। तो क्या इससे बंदा बेजान हो जाता है? बस ये बंदा फिर तो लाश ही हो जाता है सर। तो ये लाश है? नहीं नहीं नहीं, ये लाश नहीं है, लाश नहीं है। तो फिर क्या है ये? ये पागल है। तो फिर बेजान क्यों है? वो पागल है ना, तो पागल तो कुछ भी हो सकता है। मुझे देखना है इसे। देखिए सर, आप यहीं से खड़े खड़े देख ले। मैंने कहा ना तुम्हें कि तुम चुप रहो। मैंने आपको बताया था ना कि इसका जमीर मर चुका है, इसे यकीनन इसकी नब्ज भी मर चुकी होगी। लेकिन इसकी नब्ज चल रही है। क्या? हे, 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 ये तो जिंदा है। मैं कहूँ हिसाब लेने आए? नहीं, तुम जिंदा हो। अच्छा, इसने मुझे मारने की कोशिश की है इंस्पेक्टर साहब। इसने? आरिफ साहब, ये तो मुझे शरीफ और मासूम इंसान लगता है। और ये भी इसके साथ मिला हुआ इंस्पेक्टर साहब। ये झूठ बोल रहा है। ये इसका और इसका दोनों का मामला है। इसने मेरी बीवी पर कब्जा किया है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं इस पागल की बीवी नहीं हूँ। और तुम दोनों खामोश रहो, तुम दोनों जेर हिरासत हो और तुमसे अभी तफ्तीश होगी, समझे? क्या? और लड़ाई तो मियां बीवी के, मेरे पुत्र को क्यों घसीट रहे हो बीच? वाह, उसने मेरी बीवी पर कब्जा किया हुआ है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी बीवी पर अगर कोई कब्जा करे ना, फिर तुम्हें पता चले। मेरी बीवी कहाँ से होने लग गई? चलो मियाँ पर करे तो। हाँ तो किया तो है ना तुम्हारी बीवी ने। अभी तफ्तीश हो रही है अंदर, तुम्हारे मियाँ और मेरी बीवी की लग पता जाएगा। ओए, अगर मेरे पुत्र को कुछ हुआ ना तो तेरी खैर नहीं है। अगर की क्या बात है, सीधी सीधी जेल होगी, इरादा है कत्ल का मुकदमा है। वे क्या कह रहे हो मनोसा? ठीक कह रहा हूँ। ओए, कुछ ले दे के मामला रफा दफा कर ले, मेरे पुत्र की जान किस तरह छूट सकती है। ओ, 10 लाख लगेंगे। क्या? मैंने नई जिंदगी शुरू करनी है। पर तो पुरानी को क्या हो गया भाई? उसमें बेवफाई का दाग लगा है, अब मैं नई शादी करूँगा। हमारे पल्ले से? हाँ तो अपने पल्ले से बीवी भी तो छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारी बीवी हमें। तो मैंने अब क्या करनी है? आधी मेरी बीवी है और आधी तुम्हारे शौहर की। अच्छा ठीक है, 10 लाख से मेरे पुत्र की जान तो छूट जाएगी ना। हाँ हाँ, मैं केस वापस ले लूंगा। वो कैसे? मैं कह दूंगा कि मुझे कभी कभी पागलपन के दौरे पड़ते हैं। वैसे वो कभी कभी पड़ते हैं। जाओ फिर, मैं नहीं लेता केस वापस। नहीं ना करनी। और मिल जाएंगे तुम्हें 10 लाख रुपए अपने, लेकिन उस तीसरी बीवी का क्या होगा? उन्हें बाद में देख लेंगे उसका क्या करना, पहले इस मनहूस से तो जान छुड़ा लें। जल्दी करें, मेरे पास वक्त नहीं है। क्यों, तुम फौत हो रहे हो? आमीन। इसका मुंह बंद करवाएं अगर बेटा चाहिए तो। पैजन बात करो। मुंह बंद करनी, मैं लेके आती हूँ 10 लाख। ठंडे ठंडे ठंडे। तो तुमने प्लानिंग के साथ कत्ल करने की कोशिश की है? मैंने नहीं, नहीं तो। तो बगैर प्लानिंग की? हमने कोई कत्ल करने की कोशिश की ही नहीं सर। और उसकी बीवी पे भी कब्जा कर रखा है? सर मेरा इस औरत से कोई ताल्लुक नहीं, इसे बेशक आप ले जाएं। वो बंद करो अपना। और तुम, तुमने उसे धक्का दिया? वो मुझे जबरदस्ती नहीं जाना चाहता था इंस्पेक्टर साहब। वो क्यों कहता है कि वो तुम्हारा शोहर है? अरे वो पागल है। अच्छा, तो पागल तुम्हें बीवी कहते हैं? सारे नहीं कहते, सिर्फ वो ही कहता है। अच्छा, तो जब वो गिरा तो सांस ले रहा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। हैरानगी की बात है, मेरे आने पे तो वो जिंदा था। अरे वो तो पागल है, कभी मर जाता है कभी जिंदा हो जाता है। और तुम दोनों ने क्या मुझे भी पागल समझ कर रखा है? जी क्या मतलब? नहीं, नो सर, नो नो नो। तुम्हारे पास इसके साथ शादी की तस्वीर है, उसके पास तुम्हारे साथ शादी की तस्वीर है, और तू बीवी है किसकी? इसकी। नहीं, ये मेरी बीवी नहीं है। और तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे खिलाफ इरादा कत्ल की दरख्वास्त दे रहा है? एक्सक्यूज मी सर, कोई मुका नहीं हो सकता। क्या तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? नहीं नहीं, नो 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 नो, मैं उसके साथ मुकमुका की बात कर रहा हूँ। हाँ अगर वो राजी हो जाए तो हो सकता है। तो कोशिश करें ना, हमने कौन सा उसे कत्ल कर दिया है? अच्छा मैं कोशिश करता हूँ सर, थैंक यू। लेकिन तुम दोनों घर से बाहर नहीं जाओगे, समझे? जी जी। अरे मेरी बात सुनो, अगर वो मुकमुका पे राजी ना हुआ तो क्या करेंगे? क्या करेंगे फिर? जेल में सच्ची मुच्ची शादी कर लेंगे। क्या? ये लो, और अब तक मुंह भी ना करना। पूरे 10 लाख है ना? ओ आहो, मेरा मतलब है गिन लो। नहीं, आप पे एतबार है। हाँ तो फिर इसका क्या करना है? मैंने क्या करना है, अब रखो इसे। भाई रकम ले रहे हो तो फिर अपनी बीवी वापस लेके जाओ। नहीं, अब सिर्फ रकम लेके जाऊंगा। किधर जाएगा रकम लेकर? मेरा इनका खुलानामा, मेरा मतलब सुलानामा हो गया। फराडिये, मैं बहुत टाइम से तुम्हारे पीछे था, और मैं तुम्हें शरीफ और मासूम इसलिए कह रहा था कि तुम मुझे यानी पुलिस को देख के भाग ना जाओ, समझा? क्या? ये दोनों मियाँ बीवी फ्रॉडिये हैं, फ्रॉडिये, और ऐसे ही लोगों की फेसबुक से तस्वीरें लेके लूटते हैं लोगों को ये लोग।
said